इंडियन एयरफोर्स, हर काम देश के नाम। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा यहाँ पे, आज यहाँ पे पूरी सच्चाई हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि आप न्यूज़, ये 2 दिन से ये न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रही है कि जो पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इंडियन एयरफोर्स में अब लिए जाएंगे। यहाँ पे भर्तियाँ निकलेंगी। तो भर्ती निकलेगी कैसे और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि इंडियन एयरफोर्स ऐसा क्यों कर रहा है कि भर्ती वो क्यों दे रहा है? दूसरी चीज़, इंडियन एयरफोर्स में क्लास 10th और 12th के बाद आपके फॉर्म अप्लीकेशन भरे जाते हैं और 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम आज यहाँ पे पूरी साफ साफ चीज़ों को बात करेंगे कि क्या आपको भी, जो डिप्लोमा आप 12वीं पास किए, 10वीं पास किए, 3 साल का डिप्लोमा किए, उसके बाद फिर 3 साल की ट्रेनिंग भी देंगे आप, उसके बाद आपको ये जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितनी सच्चाई है इसमें? और दूसरी चीज़, आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आपको क्या करना है। ये जो वैकेंसी है, ऐसे नहीं मिल जा रही वैकेंसी, इसमें आपको भी एक कदम उठाना पड़ेगा। वो कदम क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप पेज देख रहे हैं, ये यूराइज पोर्टल का पेज है। सबसे पहले देखिए, हमने एक आईडी मंगवाया स्टूडेंट से, आपको समझाने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, यूराइज UP.gov.in स्टूडेंट लॉगिन है। यहाँ पे सबसे पहले जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होता है, फिल एयरफोर्स स्टेटा फॉर्म। ठीक है, आपने ये चीज़ देखा होगा। दूसरी चीज़, ये पेपर कटिंग से जो आ रही है न्यूज़ में, आपने देखा होगा, कई यूट्यूब वीडियोज़ आपने देखे होंगे, इसमें बताया गया होगा। लेकिन आज यहाँ पे हम सच्चाई टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, और आपको कदम क्या उठाना है ये भी यहाँ पे हम बात करेंगे, किस तरीके से ये वैकेंसी आएगी, सारी चीजें यहां पे अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस न्यूज को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पे कई छात्र ऐसे हैं जो नए हैं और न्यूज को नहीं जानते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए एयरफोर्स कर सकता है विशेष भर्ती रैली, कर सकता है, आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब कर सकता है मीन्स चीजें अप्लाई नहीं हुई हैं। क्या कारण है, कैसे करेगा, देखिएगा। सर्वे में 1600 से ज्यादा छात्रों ने जताई इच्छा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक सर्वे करना है। कैसे करना है यह भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप न्यूज देखिए। देखिए, पॉलिटेक्निक के जो डिप्लोमा के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको एयरफोर्स में सैनिक बनने का सुनहरा मौका यहां पे मिल सकता है। इच्छुक छात्र डेटा एकत्रित करने को कहा है। एक पैटर्न चलाया गया है कि छात्र उस सर्वे में भाग लेंगे और उस सर्वे के माध्यम से जो है यहां पे बच्चों को एयरफोर्स में भर्ती करने की बात की जा रही है। और क्या बात की जा रही है कि छात्र यदि बड़ी संख्या में रुचि दिखाते हैं तो विशेष भर्ती रैली या भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, संभावना है, सकता है, कुछ इस कंफर्मेशन की बात नहीं हो रही है। अभी सिर्फ ये बात हो रही है कि सर्वे में अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेते हैं तब जाके ये संभावनाएं बनती हैं कि वैकेंसी निकाली जाएगी। वैकेंसी की भी बात करेंगे, कौन कौन सी वैकेंसी निकलने वाली है, कितनी फ्रूटफुल है आपके लिए, ये भी हम बात करेंगे। देखिए, बाद में कहा जा रहा है, यहाँ पर जो निदेशक हैं प्राविधिक शिक्षा मनोज कुमार ने बताया कि यूराइज पोर्टल पर छात्रों से गूगल फॉर्म के जरिए डाटा एकत्र किया जा रहा है। ठीक है, छात्रों से एक्स ग्रुप टेक्निकल, देखिए ग्रुप देखिए, एक्स ग्रुप टेक्निकल और वाई ग्रुप, यहाँ पे कैटरिंग मैनेजमेंट, कैटरिंग का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है जो खाना बनाते हैं, में भर्ती की रुचि पूछी जा रही है। मतलब दो ग्रुप्स हैं, एक एक्स ग्रुप है जो कि टेक्निकल लाइन के ग्रुप्स हैं, एक कैटरिंग मैनेजमेंट ग्रुप है जो कि यहाँ पे खाना बनाने वाले की ग्रुप हो जाता है। दो ग्रुप्स की वैकेंसी की ही सिर्फ बात हो रही है। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी 10+2 में 50% अंक होना चाहिए, 12वीं में 50% अंक होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा की ब्रांच, किस साल के छात्र, उम्र और शहर आदि की जानकारी भरी जा रही है। क्या क्या चीज़ें उसको हम बताने वाले डिटेल में, पहले देख लीजिए यहाँ पे। छात्र यूराइज पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं और इतने छात्रों ने जो है, और दूसरी चीज, वायुसेना से पॉलिटेक्निक पास छात्रों को उम्र में भी कुछ छूट देने का भी कहा गया, तो उम्र में भी कुछ छूट देने की भी बात ये कर रहे हैं। दूसरी चीज तो देखिएगा, पहली बात तो रोजगार तो यहाँ पे खुलेगा, ये कॉमन सी बात है, आप जान सकते हैं इसको। एयरफोर्स को क्या लाभ होगा इससे, देखिए एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप की भर्ती के लिए 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों को आमंत्रित यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, किया जाता है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था। इसके बाद इसको 3 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, ये भी चीज़ हमने आपसे डिस्कस किया था, तब ये नौकरी के योग्य होते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है कि पॉलिटेक्निक वालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि नहीं, क्या तुरंत पॉलिटेक्निक के बाद हो जाएगा आपका जॉब के लिए, ये चीज़ देखिए आप यहाँ पे। इसको प्रशिक्षित करने में सरकार का काफ़ी पैसा खर्च होता है, साथ ही ट्रेनिंग के दौरान एक निश्चित मानदेय भी देना होता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी को प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं होगी। देखिएगा, पॉइंट नोट करिएगा, एयरफोर्स को यहाँ पर लाभ होने वाला है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा छात्र से, ये यहाँ पर स्कीम है टोटल, क्योंकि उनको ट्रेनिंग के जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें जो है यहाँ पर पैसा खर्चा होता है। इसे यहाँ पर बचाने के लिए
डिप्लोमा के छात्रों को अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्रशिक्षण देने की देखिए जरूरत नहीं है, इन्हें केवल नियम कानून की जानकारी देनी होगी। इस तरह कम समय में एयरफोर्स को काम करने योग्य सैनिक भी मिल जाएंगे, तो इसमें एयरफोर्स का भी फायदा है और सरकारी नौकरी भी मिलेगी, ये भी अच्छी है, काफ़ी अच्छा प्लान है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये समझनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं कि किस ग्रुप के लिए निकला। हमने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्या है, कितने परसेंटेज चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना होगा। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वैकेंसी आएगी कैसे। अभी आई नहीं है, संभावनाएं हैं, शक्ति है, सकता है, यही सारे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जब आप फॉर्म यूराइज पोर्टल पे जाइए, जो भी यहाँ पे डिप्लोमा छात्र हैं उनके लिए ही सिर्फ है ये, तो यूराइज पोर्टल पे जब आप जाएंगे सबसे पहले ऐसा पेज ओपन होगा बिना लॉग इन किए। उसके बाद जब आप फिर फर्दर आप यहाँ पे फिल एयरफोर्स डेटा फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे साइन इन टू कंटिन्यू, तो आपको जीमेल से साइन करना होता है, चाहे क्रोम ब्राउजर हो, चाहे मोजिला, चाहे जहाँ हो, आपको साइन करना पड़ेगा। तो साइन उसी से करिए जो जीमेल आपने यूराइज पोर्टल पर लगा रखा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ईमेल पूछेगा, तो ईमेल आप यूराइज वाली आप डाल सकते हैं। इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आता है और यहाँ पे पूछेगा डू यू दैट यू आर गोइंग टू फिल अप सर्वे फॉर्म फॉर ग्रुप एक्स, तो आप कहेंगे हाँ हम भरने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे पेज ओपन होगी विच स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा यू हैव, तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में क्या चीज़ कर रहे हो। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कुछ डिज़ाइन के हैं, कुछ यहाँ पे प्रोडक्शन के हैं, कुछ फैब्रिकल हैं, या प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल के हैं, या यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के। देखिए कि आप कई सारी स्ट्रीम्स हैं, काफ़ी लंबी पेज है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप देख लीजिए काफ़ी लंबा पेज यहाँ पे, ठीक है। तो इस पेज में आपको जो भी इस ब्रांच है आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको नीचे मिलेगा योर डिप्लोमा स्टेटस। स्टेटस में क्या बताना, आप किस साल में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पास हो चुके हो या अदर कंप्लीटेड बट नॉट पास्ट, ठीक है। तो अब आपको ईयर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू पॉसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड वाई नॉन टेक ट्रेड, तो ये चीज़ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपने अभी तक तो कोई परीक्षाएं दी हैं कि नहीं, ये भी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो देखिएगा तो यहाँ पे यस नो आपको कर देना है, ठीक है। उसके बाद इफ़ यस फॉर अबव क्वेश्चन डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस का भी डिटेल यहाँ पे आपको दे देना होगा। फिर पूछते हैं ग्रुप आपका एज कितना है, ठीक है, आप एज क्या चल रही है, 21 है, तो आई थिंक यहाँ पे सभी जो है 21 प्लस ही होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है 16 से 21 के बीच में आते हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो पास्ट आउट हैं वो 21 से 24 के बीच में होंगे। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट आप बिलोंग करते हो, ये भी डाल देना है। डू यू वॉन्ट टू रिसीव मैसेजेस नोटिफिकेशन, जब अनाउंस किया जाए, जब ऑफिशियल नोटिस जब आए, क्या आप मैसेज पाना चाहते हैं, तो आप एस पे क्लिक कर सकते हैं और फिर मोबाइल नंबर आप दे दीजिए जिस पर आपको मैसेज आएगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी भी दे सकते हैं आप, ये ऑप्शनल है, इसमें कोई जरूरी बात नहीं है। इस तरीके का लास्ट में आपको सबमिट ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करके ये फॉर्म भरना है। तो ये था माध्यम जो आप कर सकते हो, ठीक है। इस माध्यम से आप जब भरोगे तो इसके आगे क्या करेंगे, वो एक मुद्दा बनाएंगे, ठीक है। एक कमेटी बैठेगी, उसमें ये देखा जाएगा कि हाँ इतने छात्र इच्छुक हैं और इसमें वैकेंसीज निकल। अगर आप लोग रुचि नहीं दिखाते हो तो ये वैकेंसी नहीं निकलेगी साफ तौर पे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रुचि दिखानी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हाँ आप वैकेंसीज चाहते हो, क्योंकि देखिए प्लेसमेंट्स भी काफ़ी लिमिटेड प्लेसमेंट्स इस समय हो रहे हैं कोविड के चलते, तो अगर आप चाहते हो इसमें वैकेंसीज चाहते हो, जॉब जल्दी पाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग दी नहीं जाएगी 3 साल ट्रेनिंग, क्योंकि आप टेक्निकल लाइन से हो तो आपको नॉलेज हर चीज़ की होती होती है। कैटरिंग खाना बनाने में भी कोई ज़्यादा ट्रेनिंग की बात नहीं होती है, तो दो ही यहाँ पे आपके पोस्ट के लिए यहाँ पे निकल रही वैकेंसीज, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आप जाइए यूराइज पोर्टल पर, सीधे जाइए, जैसे हमने बताया इस तरीके का फॉर्म आपको मिलेगा, और फिल एयरफोर्स फॉर्म यहाँ पर डाल के साइन इन करके आप फॉर्म को फिल करके भेजिए, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी चाहिए होती है स्टूडेंट, तो वैकेंसी के लिए जो है सभी बच्चे परेशान होते हैं, तो आपको ये भरना ही भरना है, ठीक है। हमने यहाँ पे सारी सच्चाई आपको बता दी है कि अभी अप्लाई नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं जारी हुआ, सिर्फ नोटिफिकेशन एक आया है एक टेम्परेरी तौर पे कि चीज़ें संभावना है, हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं स्टूडेंट्स, आपकी एकता की वजह से, आपकी एक जो